हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए हिस्ट्री के हमने जो एनशेंट हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करी है उसमें आज हम महाजनपद का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं पार्ट टू महाजनपदाज का जिसमें हम क्या पढ़ेंगे महाजनपदों के एडमिनिस्ट्रेशन इकॉनमी सोसाइटी रिलीजन कल्चर और कुछ हम ट्राइबल रिपब्लिक्स यानी कि रिपब्लिक जो हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे रिपब्लिक जनपदों के बारे में राइट सो so, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं सो द कॉन्सेप्ट चैनल का नाम चैनल पर जाइए जितने भी पुराने सेशंस हैं एंशियंट एज वेल एज मेडिवल दोनों के उनको थॉरली फॉलो कीजिए उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब कमेंट में दीजिए उनसे जो है वो प्रॉपर नोट्स बनाइए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए उन सभी सेशन की सो so, आपको पीडीएफ मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान अंडर सर अंडर हिस्ट्री से और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर भी आप एक्टिव हैं शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें और आप जैसा भी फील करते हैं जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे कमेंट में जरूर दें ऑल राइट उसके अलावा अनएकेडमी का अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं जैसे कि अगर आप मान लीजिए प्लस या आइकॉनिक प्लान लेना चाहते हैं तो आप कोड इस्तेमाल करें मेरा चौहान अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर हिस्ट्री और अगर मेगा ऑफर जो है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है जिसमें अगर आप 28 अप्रैल तक एक साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर आपको फोर फाइव मंथ्स एडिशनल मिलता है यानी कि नेक्स्ट ईयर जुलाई 2022 तक सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी वैलिड रहेगी जिसमें आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से तो पढ़ ही सकते हैं राइट उसके अलावा अगर आप आइकॉनिक प्लान लेते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस के साथ साथ टेस्ट एनालिसिस के साथ साथ स्टडी प्लानर ये एडिशनल फीचर्स भी आपको मिलेंगे स्टडी मटेरियल खास तौर तो पे अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान पर तो आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं चौहान अंड स्कोर सर अंडस्कोर हिस्ट्री तो आपको दस परसेंट का डिस्काउंट तो मिलेगा ही लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका सपोर्ट जो है वो आपके फेवरेट चौहान सर को मिलेगा राइट right? अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड अफेयर्स की अगर आप मतलब टेस्ट सीरीज लें या पाथ फाइंडर की टेस्ट सीरीज लें तो मेरा कोड इस्तेमाल करें चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री एंड सपोर्ट योर चौहान सर राइट right? उसके अलावा अन अकेडमी में वन ईयर का बैच टू ईयर का बैच एनसीआरटी के बैचेस, एज वेल एज थ्री मंथ बैचेस फॉर यूपीएससीएससी प्रियम्स जो है वो शुरू हो गए हैं सो मेक श्योर यू अवेल टू दिस बैचेज ऑल्सो एंड यूज माई प्रोमो कोड चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड ऑल्सो टू शो सपोर्ट टू योर चौहान सर राइट right? उसके अलावा हर संडे आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है जिसमें चार करोड़ तक की जो है वो स्कॉलरशिप मिलने का चांस है आपको और जो टॉप थ्री रैंकर्स होंगे उनको फुल वन ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा यूपीएससी सी एस का राइट सो अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक महाजनपदों में आज हमें गण पढ़ने हैं। मैंने बोला था ना दो तरह के महाजनपद हैं मोनार्कीज़ हैं और रिपब्लिक्स हैं। यानी कि गणसंघ हैं। ठीक है so, सो सोलह महाजनपदों में से मैंने आपको बताया था कि कुछ मोनार्कीज हैं, कुछ गणसंघ हैं जिसमें से मोनार्कीज मोस्टली मोनार्कीज थी गणसंघ में से कौन कौन से हैं वज्जी उसके अलावा मल और अस्माक या असाक ये तीन जो है वो क्या है हमारे पास गणसंघ है तो आइए इनके बारे में भी समझते हैं गणसंघ का मतलब क्या है कि एक महाजनपद क्या होता है एक महाजनपद के अंदर बहुत सारे जन होते हैं बहुत सारे जनपद होते हैं जनपदों के अंदर जो है वो बहुत सारे जन होते हैं हर जन के अंदर जो है वो विश होते हैं विश के अंदर जो है वो ग्रामीण और हर ग्रामीण में कुछ कुल होते हैं ठीक है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव हेरारकी है मैंने आपको समझाया था कुल कुल के बाद ग्राम ग्राम के बाद विश विश के बाद जन जन के बाद जनपद और जनपद के बाद महाजनपद राइट right? so अगर एक रिपब्लिक महाजनपद है या रिपब्लिक जनपद भी है दैट मीनस उसके जितने भी जन हैं वो आपस में से जो आपस में मिलकर जो है वो अपना मुनार्क चूज करते हैं राइट तो एक रिपब्लिक एस्टेब्लिश होती है राइट right? उसका पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वज्जी वज्जी वॉज अ कन्फेडरेसी ऑफ एट क्लैन कॉल्ड अष्टकुला तो देख रहे हैं आप ये क्लैन ही आप बोल सकते हैं कि ये वो जन हैं अब ये आठ क्लैन हैं जिनसे मिलकर जो है वो क्या बना है वज्जी अब ये आठ क्लैन जो है वो मिलकर अपना एक लीडर चूज कर लेते हैं हेंस दे फॉर्म अ गणसंघ राइट द वज्जीज द लिछवीज द Si क्षत्रिका एंड विदेहा वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेंस देखिए कौन कौन सी है वजीज लिछवीज क्षत्रिका विदेहा आपने इनके नाम सुने होंगे इन क्लेंस के पहले राइट अभी मैप में भी दिखाता हूँ कहां पर हैं ये द हैड देयर कैपिटल एट मिथिला इन नॉर्दर्न बिहार वाइल द लिछवीज हैड देयर कैपिटल एट वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट ये डायरेक्ट फैक्ट है जो बी पी एस सी के लिए तैयार कर रहे हैं या अगर बिहार के कोई और सबॉर्डिनेट एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं तो वहां पर यह फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट ठीक है विदेहा की कैपिटल विदेहा की कैपिटल आपकी मिथिला रहेगी और लिच्छवियों की कैपिटल रहेगी वैशाली तो आप मुझे बताएंगे कि लिच्छवी का बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन है कमेंट में बताएंगे मुझे राइट द टेरिटरी ऑफ वज्जी वॉज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ गैंगिस इन बिहार एंड एक्सटेंडेड एज फार नेपाल हिल्स इन बिहार ऑन द वेस्ट गंडकी रिवर वॉज प्रॉब्लली द बाउंड्री बिटवीन वज्जी एंड मल एंड द कोसला देखिए अब यहां पर ना इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि कौन से रिवर जो है वो इस रीजन से गुजर रही है सो so, गंडकी आपको रिवर्स का नाम ध्यान रख सोन है ठीक है ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो बाउंड्रीज फॉर्म करती हैं इन रिपब्लिक्स या इन महाजनपदों की राइट ऑन द ईस्ट इट्स इट्सरी प्रॉबली एक्सटेंडेड अप टू द फॉरेस्ट अलॉन्ग बैंक्स ऑफ रिवर कोशी एंड महानंदा देखिये अगेन दीज ऑल फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बिहार सिविल सर्विसेज और सबोर्डिनेट सर्विसेज फॉर बिहार सो यूपीएससी में इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं बिहार से पढ़ रहे हो तो ये पॉइंट्स उनके लिए इंक्लूडेड हैं द वज्जी स्टेट इज इंडिकेटेड टू हैव बिन ऑर्गेनाइज आफ्टर डिक्लाइन फॉल ऑफ विदेहन मोनार्की इट बिकेम रिपब्लिकन स्टेट एट टाइंड ऑफ महावीरा एंड गौतम बुद्ध है। ये है अब यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने बोला ना वज्जी का रिलेशन महावीर गौतम बुद्ध से आप क्या रखेंगे कि महावीर और गौतम बुद्ध के समय इनके कंटेम्प्रेरी में वज्जी जो है वो क्या बना है एक एक रिपब्लिक के रूप में एस्टेब्लिश हुआ है राइट right? अजात शत्रु द मगधन किंग इज सपोज टू तो हैव डिस्ट्रॉयड दिस कन्फिडरेसी ठीक so, है बहुत इंपॉर्टेंट है किसने ये अष्टकुल कन्फेडरेसी को खत्म किया तो जवाब रहेगा आपका मगधन रूलर अजात शत्रु ठीक है और यह कंटेम्प्ररी हैं किसके फिर महात्मा बुद्धर महावीर के आगे बढ़ते हैं मल्लों की बात करते हैं द मल महाजनपद वो सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ मगध देखिए दोनों मल और वज्जी ये है मगध ठीक है मगध थोड़ा सा ऊपर है यहां पर दोनों मल और वज्जी जो है वो नॉर्थ में है किसके मगध के और दोनों जो है वो क्या हैं है देखिए तराई के क्षेत्र में आप यहां पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो भी स्ट्रांग रूलर होगा ना वो कमजोर राज्य को पहाड़ों की तरफ खदेड़ेगा क्योंकि प्लेन में ज्यादा प्रोडक्शन होती है सो so, अगर जो भी राज्य पहाड़ की तरफ आपको खदेड़े हुए नजर आएंगे यानी कि वो कमजोर हैं सो so, मल और वज्जी मगध से कमजोर हैं इसलिए मगध ने इनको पहाड़ों की तरफ खदेड़ा हुआ है ठीक है और मगध की प्रोमिनेंस क्यों है क्योंकि छोटे नागपुर से मगध को क्या मिल रहा है आयरन इसलिए मगध इस रीजन में किसी और को जो है वो पनपने नहीं दे सकता ठीक है सो ऑब्वियसली मल वज्जी अंग मगध इन सब की आपस में राइवलरी रहेगी इस रीजन के लिए जहां पर आयरन मिल रहा है ठीक है मल्लों की बात करेंगे द महाजनपद वॉज डिवाइडेड इन टू टू मेन पार्ट्स एंड द रिवर ककूथा प्रेजेंटेड ए कुकू वॉज प्रॉब्लि द डिवाइडिंग लाइन राइट सो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर बी पी एस सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बिहार के हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो भी जो भी स्टूडेंट्स बिहार के हैं तो वो ये बता सकते हैं कि यस दीज पॉइंट्स आर ये पूछे जाते हैं या बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लेकिन स्टिल आपको कुछ नदियों के नाम जो है वो पता होना चाहिए तो मल के साथ आप ककुथान रिवर को जोड़ेंगे राइट द कैपिटल ऑफ दीज टू पार्ट्स वर कुशीनगर मॉडर्न डे कसिया नियर गोरखपुर एंड पावा मॉडर्न डे पदौरना नाइनटीन किलोमीटर फ्रॉम कसिया अब यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ कुशीनगर एंड पावा इज रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध किस तरह आप मुझे कमेंट में बताएंगे गौतम बुद्ध के लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं दैट मीन्स मल्ला जो रिपब्लिक है वो गौतम बुद्ध के लाइफ से जुड़ा है दैट मीन्स अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है द रिपब्लिक इज नोटेबल फॉर बींग चोजन बींग द चोजन डेथ प्लेस ऑफ महावीर एंड गौतम बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट पावा में बोथ महावीर एंड गौतम बुद्ध चूज टू एंड देर लाइफ्स बुद्ध टुक इज लास्ट ब्रेट uh, सॉरी नॉट पावा बट कुशीनगर राइट right? बुद्ध टुक हिज लास्ट ब्रैट एट कुशीनगर वेर इज महावीर एट पावापुरी सो so, बुद्ध के साथ जो है वो कुशीनगर को जुड़ेंगे और महावीर के साथ जुड़ेंगे पावापुरी बोथ रिसाइड बोथ प्लेसेज कहाँ पर है मल रिपब्लिक uh, में है तो यहां पर मल्लों के लिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है मल की तरफ से ध्यान रखना है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे बढ़ते हैं अस्माक या असाक की बात करें तो अवंती के नीचे आपको यहाँ पर इस रीजन में अस्माक नजर आता है सिचुएटेड नियर रिवर गोदावरी अब रिवर एसोसिएटेड विद रिवर एसोसिएटेड विद महाजनपद और गणसंग इज रियली इंपॉर्टेंट सो अस्माक अवंती के साथ नर्मदा जोड़ेंगे आप और यहाँ पर अस्माक के साथ गोदावरी विद इट्स कैपिटल एट पाटली और पोतना इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगूतरा निकाय बहुत इंपॉर्टेंट हमें इन सोलह महाजनपद इनफैक्ट सोलह सा महाजनपदा जो शब्द है वो अंगूतरा निकाय में से निकल कर आता है दैट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटर्न इन पाली अस्माक हैड एन अबंडेंस ऑफ फूड एंड जेम्स एंड वॉज वेल्दी एंड प्रॉस्परस इट बिकेम कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लेन विद टाइम तो देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोस्ट लाइन है ना ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट ट्रेड हो रहा है अरब एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया के साथ ठीक है तो देखिए ये असाक मैं बोल रहा हूं ना देखिए वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट दोनों ट्रेड है बंगाल साउथ ईस्ट एशिया म्यांमार एज वेल एज गुजरात अरब सबके साथ ट्रेड हो रहा है इस वाले रीजन का ठीक है सो तो प्रॉस्परस होना इसका लाजमी है आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इन रिपब्लिक गणसंघों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा गण रेफर्स टू दो इक्वल स्टेटस एंड संघ मीन असेंबली ठीक है गण कौन है जो बराबर है ठीक है और उन गणों का जो है वो एक असेंबली एस्टेब्लिश हो गई तो वो गणों का क्या है संघ है सिंस दे आर रिपब्लिक सो रिपब्लिक होने का मतलब क्या है कि कुछ मान लीजिए जनपद स्टेटस के या विश्व स्टेटस के कुछ छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट्स आपस में आके बैठ गए उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया देखिए हमा, हम, हम हमारी लगभग भाषा सेम है लगभग कल्चर सेम है हो सकता है हमारी रिश्तेदारी भी हो तो हम आपस में लड़े क्यों हम आपस में मिल मिल बैठ बांट के अपना एक रूलर चूज कर लेते हैं सो दे फॉर्म्ड गणसंघ ठीक है द मोनार्कीज जनरली प्रैक्टिस ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन बट गण संघ प्रैक्टिस्ड मोर और लेस इगैलीटेरियन ट्रेडिशंस सो एज द नेम सजेस्ट गण गण मिल मतलब इट हैज इट हैड इगैलिटेरियन फीचर्स यानी हर एक गण को लगभग बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या उनके स्टेटस जो है वो संघ में बराबर है बट वेयर एज इन मोनार्की मगध पाटलिपुत्र इज द सेंटर ऑफ मगध महाजनपद राइट सम गण संघा कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल क्लाइन सच एज शाकिया कोलियास एंड मल्लाज वाइल अदर्स हैड मैनी क्लैन सच एज वज इज वृषणी सो देखिए कुछ गणसंघ सिंगल क्लैन शाक्या है शाक्यागण संघ में अब आप कहेंगे कि सिंगल क्लैन है तो कैसे बैठेगा अरेंजमेंट देखिए सिंगल क्लैन में भी तो कई कुल हो सकते हैं ना? ठीक है एक क्लैन के अंदर भी हो सकता है कि कुछ कुल हों या कुछ प्रोमिनेंट एक ही कुल के कुछ प्रोमिनेंट जो हैं वो सीनियर्स हों जिनका आपस में उन्होंने एक संघ एस्टेब्लिश कर लिया और अपना एक लीडर चूज कर लिया राइट सो so, इस तरह का एग्जाम्पल यानी कि सिंगल क्लैन गणसंघ का एग्जाम्पल है शाकिया कोलिया और मल और दूसरी साइड जो है वो एक मतलब आप मान के चलिए कि मल्टी क्लैन गणसंघ जो है वो वज्जीज और वृशनीज एग्जाम्पल आता है हमारे पास राइट सिंस वज्जीज जो है वो आठ कुल है उसमें लोकेशन की बात करें सो so, गणसंघ ऑक्युपाइड द हिली एंड लेस फर्टाइल एरियाज इन द फोटिल्स ऑफ हिमालय एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया मैंने बोला ना कि जो पावरफुल है वो प्लेन से धकेल देगा कमज़ोर को ऊपर या इस तरह कहा जाए जो पावरफुल है वो ज़्यादा फर्टाइल लैंड से कम फर्टाइल लैंड की तरफ कमज़ोर को धकेल देगा रिलेटिवली मान लीजिए ये प्लेन है ठीक है ये प्लेन है ये थोड़ी सी चढ़ाई ये उससे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा राइट तो जो सबसे पावरफुल होगा वो यहाँ रहेगा जो उससे कम पावरफुल होगा वो जो सबसे पावरफुल होगा ठीक है जो सबसे पावरफुल होगा वो सबसे नीचे रहेगा और उससे कमज़ोर यहाँ उससे कमज़ोर यहाँ और उससे कमज़ोर यहाँ राइट जो सबसे कमज़ोर है उसको सबसे हाइट में धकेल दिया जाएगा जहाँ पर सबसे बंजर जमीन होगी तो प्रेजेंट डे अगर आप कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों में नज़र डालेंगे राइट मान लीजिए अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं अगर आप उत्तराखंड से हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट की किसी भी जो है वो स्टेट से हैं और अगर आप स्टडी करते हैं वहाँ के रीजनल इतिहास को तो आप पाएंगे कि वहाँ की जो सबसे कमज़ोर ट्राइब्स रही वो सबसे हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियों में बसी हुई हैं राइट right? या या तो वो फिर तिब्बत वाले रीजन से एंटर किए हैं फिर उन्होंने इंडिया में ठीक है और फिर जो लोअर शिवालिक और जो जो मिडल रेंजेज़ हैं हिमालय की उनके बीच में जो है वो पावर स्ट्रगल रहा है लेकिन जो प्लेन में है अनडाउटडली जो प्लेन में शक्ति रही वो सबसे पावरफुल रही सो so, ऑब्वियसली मगध या अंग ने बाकी सबको जो है वो ऊपर धकेल दिया और ये गणसंघ बेसिकली छोटे छोटे गण हैं ये इन्होंने आपस में जुड़ने का फैसला इसी लिया इसीलिए लिया क्योंकि ये इंडिविजुअली कमजोर है ठीक है कलेक्टिवली भी कमजोर ही रहे ठीक है सो so, कहां पर इनको नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हिली एंड लेस फर्टाइल लैंड में इनको धकेल दिया गया आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गणसंघ इन द इंगो इंडो गैंगेटिक प्लेन क्योंकि ट्रेड करने के लिए पोर्ट सिटीज इनके पास नहीं थी और ये कमजोर राज्य थे इसलिए जो मेन रिवर्स हैं उन पर भी ट्रेड करने का हक इनको नहीं मिला रिवर पर ट्रेड करने का देख रहे हैं किन किन के पास मगध ठीक है उसके अलावा शौरसेन वत्स ठीक है काशी इस तरह की जो इंपॉर्टेंट कुरु पंचाल इस तरह के जो इंपॉर्टेंट जनसंघ है नॉट जनसंघ लेकिन इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मोनार्कीज है उन्होंने गंगा रिवर का ट्रे, गंगा रिवर का ट्रेड जो है वो जैसे कि अंग गंगा रिवर का ट्रेड उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है ठीक है तो उनके पास इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स भी नहीं है दैट मीन इनकी इकोनॉमी और कमजोर है द गणसंगज वर मेनली कंसनट्रेटेड इन वेट राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज कैटल रियरिंग वॉज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ओनली इन एरियाज ऑफ पंजाब एंड दुआब गण रूल्ड ओवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज एंड कैन बी सीन एज अ प्रोटो स्टेट अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया गणसंघ गणसंग जो है वो आप गणसंघों को महाजनपद फॉर्म ऑफ स्टेट का प्रोटोफॉर्म मान सकते हैं यानी पहले गणसंघ थे इवेंचुअली मोनार्की डेवलप हुई है ठीक है और गणसंघ जो है वो आपको कहा नजर आएंगे जितने भी ये पहाड़ी क्षेत्र हैं राइट यहां पर जो मतलब पंजाब वाला एरिया है इधर भी गणसंघ नजर आएंगे दुआब वाला एरिया है यहाँ पर भी गणसंघ नजर आएंगे और जो बिहार के मतलब नॉर्थ वाले एरिया है या सदर नेपाल यानी नेपाल के जो फोर्टेल्स हैं यहाँ पर भी गणसंघ आपको नजर आएंगे बट नॉट ऑन द प्लेन्स प्लेन्स में गणसंघ नहीं प्लेन्स में मोनार्कीज हैं ठीक है और गणसंघ से इवेंचुअली मोनार्कीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं ठीक है ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है और यहाँ से अब प्रोटोफॉर्म इसलिए भी कहा गया क्योंकि गणसंघ में हमें कैटल रियरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन नजर आता है और मोनार्कीज में कैटल रियरिंग जो है वो एक तरह से सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के रूप में डेवलप हो गया है इकॉनमी उस पर डिपेंडेंट नहीं है इकॉनमी मेनली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड विच फॉलोज इट राइट आगे बढ़ते पॉलिटी की बात करें इन ट्राइबल नॉट ट्राइबल रिपब्लिक्स से गणसंघ से मोनार्कीज डेवलप हुई हैं आप इस तरह डेवलपमेंट देखिए ट्राइबल रिपब्लिक्स कब थे ट्राइबल रिपब्लिक्स थे वैदिक एज में ठीक है गणसंघ वैदिक एज से महाजनपद काल में ट्रांजिशन आप गणसंघों को मान सकते हैं इस तरह भी रख सकते हैं आप ठीक है समझने के लिए समझ रहे ट्राइबल रिपब्लिक्स कहाँ हैं वैदिक एज में महाजनपद काल में क्या है मोनार्कीज हैं तो गणसंघ जो है वो क्या है वो ट्रांजिशनल है ठीक है पॉलिटी देखिएगा द हेड ऑफ द फैमिलीज ऑफ अ क्लैन गवर्न द टेरिटरी थ्रू एन असेंबली इन सम केसेस ऑफ फ्यू केसिस फॉर्म कन्फेडरेसी द चीफ ऑफ ऑल द कलैंस कंस्टीट्यूटेड एन असेंबली टू गवर्न द टेरिटरी द अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटीज हैड नो राइट ऑफ गवर्नेंस गवर्नेंस द मीटिंग ऑफ असेंबली लोकेटेड इन अ मेन सिटी द असेंबली यूज टू पुट अ मैटर टू एन एनबोरेट डिस्कशन टू टेक डिसीजन देखिए पॉलिटी बिल्कुल बेसिक सिंपल है जैसे ट्राइबल रिपब्लिक्स थे ठीक है ट्राइबल रिपब्लिक्स की बात करें वैदिक एज के ट्राइबल रिपब्लिक्स या ट्राइबल जो सिस्टम था वैदिक एज का उसमें क्या था जो राजन है वो डिसाइड करता था सब कुछ ठीक है लेकिन गणसंघ में क्या है कि बहुत सारे राजन आपस में जुड़ गए छोटे छोटे राजन जो कमजोर है ना वो आपस में जुड़ गए उन्होंने फैसला कर लिया हम आपस में लड़ेंगे नहीं लेकिन हम खुद में से एक लीडर अपना चूज कर लेते हैं ठीक है एक कैपिटल डिसाइड कर लेते हैं और अगर हमें कोई भी फैसला लेना है तो हम उस कैपिटल में आएंगे उस लीडर के अंडर हम ओपन डिस्कशन करेंगे और एक हेल्दी डिसीजन जो है वो ले लेंगे ठीक है जस्ट एज एनी रिपब्लिक वर्कस ठीक है तो कुछ मुश्किल नहीं है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो होगा मैं पॉइंट आउट कर दूंगा जस्ट मैं आपको कहाँ नहीं समझा दूँ इफ द मैटर वॉज नॉट रिजॉल्व आफ्टर डिस्कशन वोटिंग यूज टू टेक प्लेस एंड द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी वॉज टेकन अब यह है इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स को रिपब्लिक्स क्यों कहा गया है बिकॉज वोटिंग का सिस्टम यहां पर मौजूद था वोटिंग कौन करेगा वोटिंग वही करेगा जिसके पास रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन है कहां पर सभा में ठीक है यह संघ में जिसके पास रिप्रेजेंटेशन है और संघ में रिप्रेजेंटेशन किसके पास है जो क्लैन का हेड है क्यों क्योंकि इना इन सिस्टम वन और मेनी क्लैन केम टूगेदर एंड दे फॉर्म अ काइंड ऑफ कन्फेडरेसी मान लीजिए अगर एक ही क्लैन है तो उस क्लैन के अंदर जितने भी एलिट्स हैं वो बैठकर जो है वो फैसला करेंगे ठीक है वोटिंग करेंगे अगर कोई सहमति नहीं बनती है तो राइट और ऑब्वियसली मेजोरिटी का जो है वो फैसला माना जाएगा तो वोटिंग वाला हमें हमें वैसे वोटिंग वाला हमें, काल में नजर आ रहा है क्योंकि समितियां तो वोटिंग वाले से ही चुनती हैं, असेंबली वन क्लैन एंड इफ देर इज अ कन्फिड्रेसीडरेसी चोजेज इट्स ओन हेड राइट अमंग द क्लैन क्योंकि एक कन्फिडरेसी अगर है दैट so उसमें मल्टीपल क्लैन है अगर मल्टीपल क्लैन हैं तो हर एक क्लैन से एक एक लीडर आएगा उस कॉन्फेडरेसी में और वो लीडर्स जो हैं वो आपस में से अपना एक जो है वो मेन चीफ चूज कर लेंगे राइट द पोजिशन ऑफ द हेड ऑफ द क्लैन वॉज नॉट हेरिडिटरी द चीफ वॉज असिस्टेड अ नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज ट्रेजर कमांडर्स एटसेट्रा गणसंघ विदैलिटेरियन कैरेक्टर वॉज लेस अपोज टू इंडिविजुअलिस्टिक एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियंस तो गणसंघ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो क्लैन का चीफ है वो पोस्ट हेरिडिट्री ना होकर क्या थी वोटिंग के तहत या पॉपुलर व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था, था लेकिन हेरिडिट्री नहीं था ठीक है जो अदर मेंबर्स थे वो क्लैन के अन्य फंक्शन लाइक ट्रेजरी आर्मी इन सब चीजों को हैंडल करते थे उसके अलावा ओपन डिस्कशंस होती थी यानी कि जैसे मोनारिकी में क्या होता है मोनारकी में जो किंग है वही फैसला करेगा वो किंग ही ज्युडिशरी है क्योंकि किंग ही एग्जीक्यूशनरी है और किंग ही क्या है लेजिस्लेचर है लेकिन गणसंघ में ऐसा नहीं होता गणसंघ में एक मतलब असेंबली है एक संघ है जिन्होंने आपस में काम बांटे हुए हैं यानी कि एक इगैलीटेरियन कैरेक्टर है सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मोनार्कियल सिस्टम एंड अ गणसंघ सिस्टम कि गणसंघ में इगैलीटेरियन egalitarian या इगेलिटेरियस्टिक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं राइट क्रिमिनल्स हैड टू फेस एन एलेबरेट जुडिशियल प्रोसेस फ्रॉम अ हैरार्की ऑफ ऑफिशियल्स द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट फॉलोड बाय गणसंघ गणसंगज दैट ऑफ अ ओली एंड नॉट डेमोक्रेसी एज द पावर वॉज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ रूलिंग फैमिलीज मैंने आपको बोला ना ये जो रिप्रेजेंटेशन किसके पास है अलीट्स के पास मैंने अलीट वर्ड यूज किया राइट अगर सिंगल क्लैन है तो सिंगल क्लैन के अलीट्स अगर मल्टीपल क्लैन है तो हर एक क्लैन का जो हेड है वो संघ में उसको संघ में उसे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी राइट सो दैट मींस कोई एज सच डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है दो देर रिपब्लिक बट नॉट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स राइट स्टिल जो है वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि ओली गार्की है ओली क्या होता है कि जिसमें एलिट्स जो है वो रूल करते हैं ठीक है अब बात करें सोसाइटी की सिंस द पावर वाज डिफ्यूज इन गणसंगशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोअर्सिव अथॉरिटी वाज नॉट एक्सटेंसिव अब देखिए सोसाइटी बटी हुई है और थोड़ा सा इगैलिटेरियन फीचर मैंने आपको बताया क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी जिस चीफ के पास है वो चीफ वहां पर इलेक्ट करके पहुंचेगा लेट्स से वो चीफ वहां पर इलेक्ट करके पहुंचेगा सो दैट मींस उस चीफ के पास सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है अगर चाहे तो चीफ को हटा सकती है ठीक है गणसंघ है टू स्ट्राटा अब स्ट्राटा देखते हैं गणसंघों का क्षत्रिय राजकुल और द रूलिंग फैमिलीज और दास कम कर्म करा और द स्लेव्स एंड लेबरर्स बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल मैंने बोला ना कि ऋग वैदिक से महाजनपद के बीच में ट्रांजिशन है क्या या ऋग वैदिक ट्राइबल रिपब्लिक से महाजनपद मोनार्कियल सिस्टम के बीच में गणसंघ जो है वो क्या है ट्रांजिशन और गणसंघ में गणसंघ की सोसाइटी में दो स्ट्रेटा है ऊपर क्षत्रिय और नीचे स्लेव तो क्या ये आपको क्षत्रिय और स्लेव में बटा हुआ सिस्टम किंग और मास्टर और स्लेव में बटा हुआ सिस्टम क्या आपको मार्क्सिस्ट जो मैंने पढ़ाया था याद होगा अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनको याद होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था मार्क्सिस्ट मतलब फिलॉसफी में कार्ल मार्क्स ने किस तरह बांटा था हिस्टोरिक पीरियड को सबसे पहले क्या था right? उसके द बाद, प्री उसके बाद काल में क्या था किंग एंड हिज स्लेव या मास्टर और स्लेव रिलेशन सो गणसंघ में हमें वो देखने को मिलता है मास्टर स्लेव रिलेशन और वो प्री हिस्टोरिक कम्युनिज्म जो है वो हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है ठीक है और एक किंग और स्लेव वाला रिलेशन हमें कहां देखने को मिलता है यानी स्लेवरी हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है जिस तरह वैदिक और खास तौर पर लेटर वैदिक सोसाइटी में वर्ण जो है वो स्टिफ वर्ण व्यवस्था वर्ण सिस्टम स्टिफ हो गया था गणसंघों ने वर्ण सिस्टम को नहीं माना ठीक है गणसंघों ने वर्ण मतलब वर्ण सिस्टम में वो जो चार वर्ण होने चाहिए उसको नहीं माना वहां पर केवल एक क्षत्रिय क्लैन और केवल एक स्लेव जो है वो स्ट्राटा है ठीक है मतलब स्ट्राटा के दो हिस्से हैं या तो क्षत्रिय हैं या तो स्लेव दे वर प्री ऑक्यूपाइड विद वेरियस अदर रिलीजियस द रिलीजियस ट्रेडिशन सच एज जैनिज्म बुद्धिज्म ऑफ गणसंघ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर वर्ण व्यवस्था नहीं है यानी ब्राह्मणिकल कल्चर गण संघ में स्ट्रांग यानी कि वैदिक ब्राह्मणिज्म गण संघ में स्ट्रांग नहीं है ठीक है सो so, गण संघ में क्या है नो no वैदिक ब्राह्मणिज्म अगर वैदिक ब्राह्मणिज्म नहीं है यानी कि यहां पर हमें हेटीरोडॉक्स हमें यहां पर हेटीरोडॉक्स सेक्ट्स जो है वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे वो सिक्सटी फोर सेक्ट्स में से दो मेन बुद्धिज्म और जैनिज्म हमें इन्हीं गण संघों में से डेवलप होते हुए नजर आए हैं हाउ अबाउट दैट ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि ये गण संघ जो है ना ये ट्राइब्स में से निकल कर आए हैं और जो ब्राह्मणिकल कल्चर है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से एंटर किया यानी कि ये जो गण संघ हैं, ये नेटिव ट्राइब्स हैं जो ऑलरेडी मौजूद थी अगर ये ब्राह्मणिकल कल्चर इन्हें ऑब्जॉर्व करता तो इन नेटिव ट्राइब्स के हेड्स को क्षत्रिय का स्टेटस मिलकर इनकी जनता को शूद्र का स्टेटस मिलता ये व्यवस्था तो है यहाँ लेकिन इन्होंने क्षत्रिय और शूद्र या क्षत्रिय और स्लेव वाला सिस्टम तो अडॉप्ट किया लेकिन इन्होंने ब्राह्मणिकल कल्चर को वो पूरा ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब यज्ञ कराने वाला सिस्टम उन सबको अडॉप्ट नहीं किया इन्होंने अपने खुद के जो है वो कल्ट्स डेवलप किए जिसमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे पॉपुलर बन के उभरा और फिर फर्दर बुद्धिज्म और जैनिज्म को बड़े महाजनपदों के रूलर्स ने पैटर्नाइज भी किया ठीक है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया दे वर मोर टॉलरेंट टुवर्ड्स अनऑर्थोडॉक्स वैल्यूज एंड इंडिविजुअल ओपिनियंस मैंने बोला ना सिक्सटी फोर हेटीरोडॉक्स सेक्ट ब्राह्मणिकल कल्चर वॉज क्रिटिकल ऑफ एनी अदर एनी अदर टाइप ऑफ कल्ट ब्राह्मणिकल कल्चर सबको जो है वो मतलब क्या कर रहा था नदारत कि कोई भी जो है वो वैलिड नहीं है केवल ब्राह्मणिकल कल्चर वैलिड है बट बुद्धिज्म जर्निज्म एंड अदर हेटीरोडॉक्स सेक्ट डेवलप्ड इन द गण वर मोर टॉलरेंट वर्ड्स इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ फॉर रिलीजन लिस्ट ठीक है ओनरशिप ऑफ द लैंड वॉज इन देंड ऑफ द क्लैन द लैंड वॉज अब देखिए यहां पर मैंने बोला ना कि ट्राइबल से टेरिटोरियल में मूवमेंट हमें देखती है किसमें वैदिक सिस्टम में ट्राइबल था और महाजनपद में क्या है टेरिटोरियल सिस्टम बन रहा है ठीक है सो ओनरशिप ऑफ लैंड वाज इन द हैंड्स ऑफ क्लैन सो क्लैन बेसिकली ट्राइबल कल्चर से आप निकाल के देख सकते हैं तो यहां पर टेरिटोरियल सिस्टम नहीं दिख रहा क्योंकि मुनार की करेक्टर सीखे टेरिटोरियल तो स्टिल हमें थोड़ा सा ट्राइबल कल्चर के असर दिख रहे हैं गणसंग में द लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय दास अब देखिए यहां पर काम कौन कर रहा है दास कर रहा है लेकिन अगर आप एक ब्राह्मणिकल व्यवस्था में जाएंगे तो वहां पर खुद जो है वो हल चलाता है कौन एक क्षत्रिय ठीक है।, है खुद जो है वो हल चला रहा है एक ब्राह्मण जिसमें हमें हल्दर के नाम से जानते हैं आप कृष्ण के बड़े भाई हलदर बलरा बलराम बलराम हल लेके चलते हैं हर जगह इसका मतलब क्या है कि हल उनका स्टेटस सिंबल है और खुद हल चलाते हैं वो बींग क्षत्रिय वो खुद हल चला रहे हैं या अदर बिंग ब्राह्मण वो खुद हल चला रहे हैं ठीक है तो ये क्या है एक मोनार्कियल सिस्टम या जहाँ पर वैदिक ब्राह्मणिज्म प्रेवलेंट था वहां पर हमें देखने को मिलता है कि खुद एग्रीकल्चर काम ने एग्रीकल्चर करने का काम कर रहे हैं आर रहे ठीक है लेकिन इन गणसंघ गणसंघ में एग्रीकल्चर जो है वो दासों से करवाया जा रहा है ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक वैदिक ब्राह्मणिज्म जहाँ पर प्रेवलेंट था वहां पर दासों से या शूद्रों से एग्रीकल्चर नहीं करवाया जा रहा था करवाया जा रहा था लेकिन कई जगहों पर खुद जो है वो हमें आर्य एग्रीकल्चर करते हुए नजर आए हैं जिसका एग्जाम्पल हमें बलराम के रूप में देखने को मिलता है बिकॉज बलराम हिमसेल्फ वॉज नोन एज हलधर हल लेकर चला करते थे वो दैट वॉज हिज सोशल स्टेटस ठीक है तो वहाँ से पता चलता है हमें कि आर्य जो हैं वो खुद हल चलाया करते थे अपना ठीक है द स्लेव सिस्टम कंसिस्टेड मोर ऑफ डोमेस्टिक स्लेव एंड स्लेव इन प्रोडक्शन द दास कर्म करा वर्चुअली हैड नो राइट इट इज टू बी नोटिस दैट ब्राह्मन प्लेस इन द अर्ली रिपब्लिक्स नॉट डिड द रिकोगनाइज दीज स्टेट्स इन देयर लॉ बुक्स बिकॉज दे डिड नॉट गेट प्रिवलेजेस इन रिपब्लिक्स लाइक इन मोनार्कीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वैदिक ब्राह्मणिज्म का इन गणसंघ से कोई लेना देना नहीं था सो so, गण संघों में ब्राह्मणों का प्लेस नहीं था लेकिन गण संघों में स्लेव्स जिनको ब्राह्मणों ने शूद्र कहा देखिए जहां पर वैदिक ब्राह्मणिज्म चल रहा है वहां पर स्लेव्स स्लेव शूद्र के नाम से जाने जाते हैं उनको कुछ राइट्स हैं गण संघों में जो स्लेव्स हैं वो स्लेव है राइट वो दास हैं उनको कोई राइट नहीं है जीने का और एक और पॉइंट गणसंघों में ब्राह्मणों का कोई प्लेस नहीं है इसलिए ब्राह्मणों का जो लिटरेचर है वहां पर हमें गणसंघों के बारे में जानकारी नहीं मिलती तो आप कहेंगे कि गणसंघों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है तो आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर में गणसंघों के बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि बुद्धिस्ट और अन्य हेटीरोडॉक्स जो भी कल्ट्स डेवलप हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं इन गणसंघों से ठीक है मतलब मेजोरिटी ऑफ एन एटलीस्ट द फेमस वंस जो हैं वो इन गणसंघों से डेवलप हुए हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं द गणसंगज वीरियाली येट रेजिलियंस ऑफ दीज रिपब्लिक्स वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देयर अपियरेंस एंड कंटिन्यूड प्रेजेंस अंटिल मिड फर्स्ट मिले अब देखिए अगर वैदिक ब्राह्मणिज्म मोनार्कीज में फैला है तो दैट मीन्स जो ब्राह्मण है वो मोनार्क्स को प्रेशर डालते होंगे गणसंघ का सफाया करो सो दैट मीन्स इन मोनार्कीज और गणसंघों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता होगा लेकिन मगध जैसी मोनार्की ने जब बुद्धिज्म या जैनिज्म को अपनाया ठीक है पेटरनाइज किया तो यहां पर हमें गणसंघ को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है मगध जैसे बड़े राज्यों से तो इसीलिए लिए हमें गणसंघ जो है वो मिलेनियम फर्स्ट सी ई तक जो है वो सरवाइव करते हुए नजर आते हैं बिकॉज बड़े अन्य मतलब मनार्किस से उनका कॉन्फ्लिक्ट तो था ही लेकिन कुछ मनार्किज ने उन्हें सपोर्ट भी कर दिया रिपब्लिकन ट्रेडिशन्स बिकेम वियर फ्रॉम मॉरन पीरियड ऑन के बाद जो है वो रिपब्लिकन सिस्टम खत्म हुआ क्यों क्योंकि चंद्रगुप्त कौटिल्य ने चंद्रगुप्त से क्या काम करवाया कि ज्यादा से ज्यादा गणसंघों को ऐड करो ठीक है और फिर अशोक ने यही काम किया कि ज्यादा से ज्यादा गणसंघों को ऐड करो यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया जाए ठीक है दो अशोक के जाने के बाद धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ लेकिन अशोक के रहते रहते ये सभी गणसंघ जो है वो मोस्टली मौर्य एम्पायर में और जो मगध के आसपास हैं एटलीस्ट उत्तर प्रदेश बिहार के दक्षिण में बिहार के उत्तर दक्षिण में राइट ये सारे जितने भी गणसंघ हैं, ये तो मौर्य एम्पायर में ऐड हुए ही ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मोनार्कीज की बात करते हैं ठीक है ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी देखी इनकी रिपब्लिक्स की अब थोड़ा सा मोनार्कीज की बात करते हैं ठीक है एक्सक्यूज मी मोनार्की और किंगडम मीन्स अ टेरिटरी रूल्ड अ मोनार्क दैट इज किंग और क्वीन मोनार्क कैन बोथ बी किंग और क्वीन और अच्छे एक कोई सिंबल एक सिंबल के तौर पे भी मोनार्क को रखा जा सकता है ठीक है जिस तरह भारत ने रामचंद्र के खड़े को सिम्बल बनाकर राज किया तो मोनार्क उस समय मतलब कहने को तो समझ रहे हैं सिंबलिज्म है ये एज द नेम समझे सिंबल है लेकिन मोस्टली किंग और क्वीन जो है वो मोनार्क रहेंगे आपके सम किंगडम्स एमर्ज इन सिक्सरी बी सी संघ गण संघों के अलावा और किंगडम्स भी थी देखिए कौन कौन से हैं द दोनार्किेवलप पर्टिकुलरली इन गैंगस्ट प्लेन मोनार्कीज बीइंग स्ट्रांग इन्होंने रिलेटिवली मोर फर्टाइल गैंगस्ट प्लेन को अपने कंट्रोल में लिया ठीक है और यहां से ट्रेड भी हो रहा है गंगा यमुना के गंगा यमुना नदियों के साथ राइट लैंड इन दिस किंगडम्स was more fertile than that of Gansang. People settled in monarchical territories at later period than Gansang. Three important kingdoms of these times are the important kingdom of this period. कौन कौन से हैं? Kashi, Kosala और Magad. तीनों आपको बिहार या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन में नजर आएंगे तीनों की खासियत ये है तीनों के पावरफुल होने की वजह ये है कि यहाँ पर आयरन जो है वो बड़े लेवल पर मिला अब यहाँ पर ना एक मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह आ, ये आपका हिमालयन रीजन है ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है यहाँ से यहाँ पर कौन थे ऋग्वैदिक पीपल 1500 से 1000 हज़ार में राइट सो ऋग्वैदिक पीपल ने 1000 हज़ार में मूवमेंट करना शुरू किया और आप मान के चलिए ये गंगा और यमुना और इनका ये दुआब वाला रीजन बीच में और ये अलाहाबाद वाला रीजन यानी काश यहाँ पर Uh, मतलब वत्स वाला रीजन और फिर उसके आगे मूव करते हैं केवल गंगा मूव करती है ठीक है तो इस रीजन तक पंद्रह एक हजार में यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ और छः सौ बी सी तक सॉरी नॉट 600 सौ लेकिन सेवन हंड्रेड बी सी ई तक इस रीजन तक पहुंचे ठीक है वैदिक लोग फिर उसके आगे पेनिट्रेट किया उन्होंने सिक्स हंड्रेड बी सी में जब उनको लोहा मिलना शुरू हुआ यानी कि सेवन हंड्रेड बी तक यहाँ पर गण संघ स्ट्रोंग थे उसके बाद मोनार्कीज जो डेवलप हुई हैं वो मगध वाले रीजन से डेवलप हुई हैं सो so, मगध कोसला और काशी 600 हंड्रेड बी के आसपास डेवलप होने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज थी आई होप ये खिचड़ी जैसे मैप में आपको समझ आया होगा अगर मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने मेरे पिछले सेशंस देखे हैं तो वो बहुत आसानी से मेरे मैप्स को समझते होंगे ठीक है सो so, इसीलिए काशी कोसल और मगध जो है वो पहले डेवलप होने वाले मोनार्किज हैं और पहले डेवलप होने वाले सबसे स्ट्रांग मनार्किज हैं ठीक है क्यों क्योंकि आयरन अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है यहां पर लोहा छोटे नागपुर वाले रीजन में अबेंडेंस में है तो वहां से ये लोहा मिल जाता है इनको ठीक है दे ऑफन फॉट अमंग दमसेल फॉर द कंट्रोल ऑफ गैंग प्लेन एंड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ देयर डिफेंस एंड इकोनमी और दूसरा कारण एक और देखिए लोहा तो है ही ये है हमारा हिमालय ये हमारी हिंदू कुश ठीक है यहां से पंद्रह यहाँ पर पंद्रह सौ से एक हजार बी सी तक रह रहे हैं कौन ऋग्वैदिक लोग इन्होंने मूव करना शुरू किया ये गंगा ये यमुना ये दोनों मिल रही हैं ठीक है और फिर ये बिहार और फिर बंगाल वाले रीजन में तो ये जो रीजन है ना यहाँ पर ही क्यों डेवलप हुए गणसंघ सॉरी नॉट गणसंघ लेकिन मोनार्क्स एक तो सबसे पहले यहाँ पर लोहा मिल रहा है आयरन बड़े लेवल पर दूसरा जितना भी सिल्ट का डिपोजिट है वो सबसे ज़्यादा इस रीजन में है एलोवियल सिल्ट सबसे ज़्यादा क्यों क्योंकि नेपाल से भी बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं और गंगा यमुना तो अपने साथ लेकर आ ही रही हैं तो इस रीजन में बहुत ज़्यादा ये रीजन रिलेटिवली बहुत ज़्यादा उपजाऊ है एज कंपेयर टू दिल्ली दुआब या बीच वाला जो रीजन है ठीक है इसके मुकाबले ज़्यादा उपजाऊ है और लोहा भी है यहाँ पर तो आप बता ही सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ा और सेना भी मज़बूत हुई इसलिए मुनार की सबसे पहले इसी रीजन में डेवलप हुई है ठीक है इकॉनमी डिफेंस और इकॉनमी दोनों ज़बरदस्त हुई इनकी क्योंकि ये वाला जो रीजन है बिहार वाला या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है क्यों क्योंकि एक तो गंगा यमुना अपने साथ जो लेकर आई हैं एलोवियल डिपॉजिट प्लस नेपाल से जो भी रिवर्स हैं वो भी अपने साथ एलोवियल डिपॉजिट लेकर आती हैं तो हाईली जो है वो प्रोडक्टिव लैंड है ये पॉलिटी की बात करें द किंग वॉज सोवेरन इन मोनार्की ऑब्वियसली किंग वॉज द सेंटर ऑफ द ट्रायो दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन और द एग्जीक्यूशन उसके अलावा लेजिस्लेशन एंड लेजिस्लेश किंगशिप वॉज एट्रीब्यूटेड टू द विशेज ऑफ गॉड किंगशिप वॉज लार्जली हेरिडिटरी द किंग वॉज द सेंटर ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट राइट द थ्री फंक्शन एग्जीक्यूशनरी जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर द किंग वॉज असिस्टेड ये किसने कहा है तुरंत मुझे कमेंट में बताएंगे कि द फंक्शंस देर आर थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट दैट इज द एग्जीक्यूशनरी जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर हु सेट दिस ये थ्योरी किसने जो है वो दिया आप तुरंत मुझे कमेंट में बताएंगे किस एज ऑफ एलाइटमेंट के फिलासफर ने थ्योरी दी है ठीक है पॉलिटिकल फिलासफर ने उसके अलावा देखिए यहां पर दिया हुआ है किंगशिप वॉज एट्रीब्यूटेड टू विशेज ऑफ गॉड सो गॉड जो है वो किंग बना रहा है या किंगशिप दे रहा है तो आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ब्राह्मणों ने कहा या ब्राह्मणों ने लेजिट, लेजिट, लेजिटमेशन दिया किसी किसी क्षत्रिय के या किसी भी क्लैन के लीडर के क्षत्रिय होने और उसके किंग होने या मोनार्क होने के क्लेम को लेजिटमेसी ब्राह्मणों ने दी दिस दिस इज़ वाज़ देयर आप कहेंगे कि सिम्बॉइटिक रिलेशन ब्राह्मणों को बदले में क्या मिल रहा है लैंड ग्रांट मिल रहे हैं दासियां मिल रही हैं दास मिल रहे हैं ठीक है स्पेशल स्टेटस मिल रहा है सोसाइटी में प्रोटेक्शन मिल रहा है क्षत्रियों का बदले में वो क्लैन के लीडर्स को क्षत्रिय का असिस्टेड बाय एडवाइसरी काउंसिल सच एज सभा एंड परिषद किंग के नीचे कौन है किंग अल्टीमेट अथॉरिटी किंग है लेकिन किंग के बाद उसकी सभा और उसके परिषद उसके मंत्रीगण ठीक है द पोजिशन ऑफ पॉपुलर असेंबलीज वीकेंड इन किंगडम्स एज दे हैड एक्सपेंडेड ओवर लार्ज एरियाज द किंग कुड कंपेल ओबीडियंस टू द लॉ विद इन हिज टेरिटरीज एंड यूज फोर्स इन केस ऑफ लॉज वर नॉट एब्जर्व सो किंग के पास जैसे मैंने बोला ना जुडिशरी उसके पास है लेजिस्लेशन उसके पास है एग्जीक्यूशन उसके पास है तो कोई कानून किंग बनाएगा क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मोनार्क फैलती गई किंग की शक्ति बढ़ती गई और उनकी सभा सभा और परिषदों की घटती गई सो दैट मीनस लेजिस्लेशन बनाने का अंतिम अथॉरिटी किंग के पास कोई कानून अगर एनफोर्स कराना है तो किंग ने और अगर कोई कानून एनफोर्स नहीं हुआ तो उस पर जस्टिस भी या जजमेंट भी कौन देगा किंग ठीक है सो दिस वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अ मोनार्की कांगयम यहां उसके बाद सोसाइटी की बात करें द लॉयल्टी टू द वर वीकेंड इन अ किंगडम अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना इन वैदिक सिस्टम बोथ एंड वैदिक राइट वैदिक एज में द लॉयलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इट्स क्लैन और इट्स क्लैन uh, के हेड के प्रति राइट right? ठीक है सो so, यहाँ पर क्लैन वाला सिस्टम था सिंस इट इज अ ट्राइबल सिस्टम बट इन महाजनपद काल और इन मोनार्कियल सिस्टम द लॉयल्टी शुड बी टुअर्ड्स द किंग और जो किंग के प्रति लॉयल नहीं है किंग के पास फुल अथॉरिटी थी उसे एग्जीक्यूट करने की तो किंग अपनी सेना की मदद से लॉयल्टी एनफोर्स करवा सकता था ठीक है नेक्स्ट देखिएगा लॉयल्टी वॉज शिफ्टेड टू द कास्ट ऑफ एन ए, कास्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टू द किंग राइट अब यहां पर देखिए कास्ट अब यहां पर हमें धीरे धीरे जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन के आधार पर वर्ल्ड में किसी एक पर्टिकुलर वर्ण में किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन होने के आधार पर कास्ट डेवलप होती हुई नजर आई तो आज जिस तरह हमें कास्ट डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में प्रेजेंट है भारत की सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के आधार पर हमें जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लॉयल्टीज देखने को मिलती है दैट स्टार्टेड ड्यूरिंग द मोनार्कियल पीरियड और महाजनपद पीरियड क्यों क्योंकि कास्ट में रहने से आपको एक बिलोंगिंगनेस की जो है वो फीलिंग मिलती है और एक यूनिटी का आधार मिलता है राइट right? यूनिटी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन से बच सकते हैं ठीक है बट कास्ट अदरवाइज द लॉयल्टी फाइनल लॉयल्टी जो है वो किसके प्रति होनी थी किंग के प्रति लेकिन ये कास्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कास्ट के प्रति लॉयल्टीज जो है वो डेवलप हुई लोगों की यानी कि एक एक कास्ट में रहना लोगों ने जो है वो पसंद करना शुरू किया क्योंकि उसके अपने उसके नुकसान तो है ही क्योंकि कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है सोसाइटी में लेकिन उसके फायदे ये हैं कि सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एक, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिल जाती है ठीक है देर वॉज अ क्लियर डिविजन यानी कि प्रेजेंटली अगर आप भारत की सोसाइटी में देखेंगे कहीं पर भी अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है अगर उसको कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो वो कमज़ोर है लेकिन अगर मान लीजिए उसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग आपस में जुड़ के एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना ले तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है राइट right? उनका उनको बिलोंगिंगनेस का मतलब फीलिंग होती है उनका प्राइड बढ़ जाता है ठीक है तो अगर आप किसी भी इस तरह के मतलब अगर आप मैं कहना चाहूँगा मतलब कुछ कंडीशंस में दंगे हो जाते हैं लेकिन मोस्टली अगर आप कहें कि किसी भी तरह का अगर प्रोटेस्ट चल रहा है प्रदर्शन चल रहा है रेवोल्यूशन चल रही है किसी तरह की ठीक है वहां पर अगर वो और वो कास्ट के आधार पर है क्योंकि हमें ये वाला फंडा जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखने को मिलेगा हमें कास्ट मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे वहां पर हम डिटेल में समझाऊंगा इस बात पे लेकिन प्रेजेंट के साथ मैच करके देखिए प्रेजेंट के साथ आपके राज्य में मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कास्ट ने जो है वो जैसे जाटों ने गुजरों ने किया था ठीक है इस तरह के जो आंदोलन हुए थे या और वो तो पूरी कम्युनिटीज है मान लीजिए किसी एक क्योंकि जाटों गुजरों में भी डिफरेंट डिफरेंट जातियां आ जाती हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कास्ट आ जाती हैं लेकिन मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो है वो मिलकर जब प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके अंदर एक आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा राइट सो वो कहाँ से शुरू हुआ है वो लॉयल्टी सो जब और कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ है ले कास्ट सिस्टम देखिए डेवलप हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में लेकिन कास्ट सिस्टम ने धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर क्योंकि यही कास्ट के आधार पर लोगों ने ट्रेड गिल्ड बना लिए तो अगर उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ गई तो फिर मोनार्को उनकी बात माननी पड़ी ठीक है आगे देखिएगा देर वॉज अ क्लियर डिविजन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी सच एज बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड द रिच एंड पुअर सो रिच और पुअर का डिफरेंस कहां पर देखने को मिलता है आपको ऑब्वियसली जब शहर डेवलप होंगे तो रिचनेस और पुअर यानी कि हमें जो है वो पालकियों में बैठे ठाकुर जाते हुए नजर आने हो गए वैसे ठाकुर जो वर्ड है वो इंडो ग्रीक्स लेके आएंगे अपने साथ ठीक है ठाकुर लेकिन कहने का मतलब यह कि आगे बताऊंगा ठाकुर क्या होते हैं रिच और पुअर में डिफरेंस हमें महाजनपद काल से देखने को मिला मिलाजन अमंग द डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी सच एज सच एज बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड किंग और उसकी जनता किंग रथों में बैठा है और जनता उसके सामने जो है वो खड़े हुए लौट रही है ठीक है किंग के आसपास जो है वो सेना घूम रही है प्रोटेक्टेड है तो क्लियर हो जाता है कि किंग आ रहा है राइट right? सो so, ये डिस्टिंक्शन हमें महाजनपद काल में महाजनपद पीरियड में देर वॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ लैंड वॉज कंट्रोल्ड बाय ईदर द चीफ्स ऑफ क्लैन और किंग और ऑफिशियल्स और ब्राह्मण राइट some families or individuals possessed more lands than others importance was given to priests and vedic rituals also increased customary laws of jatis and the region were present in the kingdoms obedience to these two type of laws continued throughout the ages there was rivalry between brahmans and kshatriyas but in, in a kingdom they supported each other they, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में राइवलरी है क्यों क्योंकि क्षत्रिय को चाहिए पॉलिटिकल शक्ति और ब्राह्मणों को कंट्रोल करना क्षत्रियो को ठीक है तो ख्षत्रियों के क्षत्रियों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी है क्षत्रियो का ब्राह्मण से भी है ताकि मतलब मान लीजिए चार क्षत्रिय ठीक है और एक किंग की सीट है और एक ब्राह्मण है जो अपॉइंट करेगा उस किंग को लेटमेसी देगा जो क्लेम को तो अगर उसने एक क्षत्रिय को अपॉइंट कर दिया तो बाकी तीन तो एंटी हो गए ना उसके ठीक है चाहे वो इकट्ठा हो या इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो तो एंटी गए तो ब्राह्मणों की क्षत्रियो से भी कॉन्फ्लिक्ट था किस चीज के लिए आ, मतलब लेजिटमेसी ऑफ देयर किंगशिप ठीक है उसके अलावा वैदिक रिचुअल्स जो है वो डेवलप रहे वैदिक रिचुअल्स कंटिन्यूड रहे बिसाइड बिसाइड बुद्धिज्म और जैनिज्म को बड़े एम्पायर्स ने पैटर्नाइज किया बट स्टिल वैदिक कल्चर प्रवेल्ड धीरे धीरे कम हुआ उसकी पॉपुलैरिटी घटी लेकिन मौजूद रहा ठीक है बुद्धिज्म जैनिज्म जैसे जैसे बढ़ा खासतौर पर मॉडर्न पीरियड में जो वैदिक ब्राह्मणिज्म है वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ा ठीक है तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि बुद्धिज्म जैनिज्म जब डेवलप हुए तो वैदिक ब्राह्मणिज्म क्यों कम हुआ फिर उससे हमें नया ब्राह्मणिज़म जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है क्योंकि वैदिक ब्राह्मणिज़म में सेक्रीफाइस हो रहे हैं इन सेक्रीफाइस में घोड़े बैल सबको को सेक्रीफाइस किया जा रहा है ठीक है लेकिन जो नया ब्राह्मणिकल कल्चर आएगा वो बिल्कुल अपने आप को हिंसावादी एस्टेब्लिश करेगा वो बिल्कुल मतलब मीट खाना सेक्रीफाइस करना उन सबको रद्द करवा देगा तो ये एकदम से जो प्रेजेंट डे ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसमें किसी भी तरह के सेक्रीफाइसिस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है राइट और खासतौर पर घोड़ों के बैलों के सेक्रीफाइस को तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है लेकिन वैदिक ब्राह्मणिज्म में हमें एविडेंस मिलते हैं ठीक है नॉट जस्ट लिटररी आप कहेंगे कहां पर तो अगर आपको डाउट है तो ऋग्वेद पढ़िए ऋग्वेद में है लिखा हुआ है ठीक है रिचुअल्स उसमें क्या क्या सेक्रीफाइस दी जाती हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज हैं बड़े लेवल पर हजारों के लेवल पर बैलों को घोड़ों को मारे जाने के ठीक है सो वैदिक और उसके अलावा बड़े बड़े मतलब जैसे कि बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने कहा है ओपनली कि आर्यन लोग या जो वैदिक लोग हैं वो इस तरह की मतलब सेक्रीफाइसिस किए जाते थे विवेकानंद ने ओपन मंच में कहा है कि वैदिक लोग जो हैं वो मतलब बैलों की हत्या किया करते थे सेक्रीफाइसिस दिया करते थे ठीक है तो कई वत, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो प्रेजेंट डे कंटेम्प्ररी अंधकार का जो मतलब अंधेरे में जो फेंका हुआ ज्ञान है वो क्या कहते हैं उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है वो लेकर बैठे हुए हैं तो अगर आपको डाउट है अगर आपको डाउट है मेरा चैनल है ये कोने में लिखा है चौहान अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर हिस्ट्री मुझे कमेंट दीजिएगा कि सर हमें पढ़ना है मैं आपको ऋग्वेद की कॉपी प्रोवाइड करूंगा ऑथेंटिक ऋग्वेद की कॉपी प्रोवाइड करूंगा उसमें ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है उसको पढ़िएगा फर्स्ट हैंड नॉलेज लीजिए ठीक है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए ठीक है पढ़िए एक बार अगर आप चाहते हैं क्लेरिफिकेशन उसमें लिखा है वहां पर ये सब रिचुअल्स के बारे में जानकारी दी है हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें स्टेट जनरली कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अंगडम सो मोनार्किज में एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली सेंटर के हाथ में द स्टेट है मैक्सिमम भारत जो है वो उस समय फॉरेस्ट लैंड रहा होगा और उन फॉरेस्ट में जो है वो ट्राइबल लोग रहते होंगे ठीक है सो so, जितना भी फॉरेस्ट लैंड है वो बेसिकली किंग के कंट्रोल में जहां जहां तक किंग ने जीत लिया फॉरेस्ट लैंड किंग के कंट्रोल में रहता होगा तो मान लीजिए किंग ने कोई एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड ब्राह्मण को दिया तो वहां पर जो ट्राइबल लीडर है ब्राह्मण ने उस ट्राइबल लीडर को क्षत्रिय का स्टेटस दिया और उसकी जनता को शूद्र का स्टेटस दिया तो यह सिंबायोटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ खैर धीरे धीरे आगे, आगे आपको समझाऊंगा लेकिन जो अनयूज लैंड है वो भी किसके कंट्रोल में था किंग के कंट्रोल में खासतौर पर आयरन और अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं उन पर राज्य का कंट्रोल रहता था ताकि कोई अपनी मर्जी से हथियार ना बना ले कोई फ्यूडेटरी जो है वो हथियारों की संख्या बढ़ा ना ले और थ्रेट ना पोज कर दे इसलिए आयरन के आयरन के सोर्सेज पर सेंटर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहता था कौन हथियार बनाएगा कितना हथियार ट्रांसपोर्ट होगा ये सब सेंटर कंट्रोल करता था ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दिस कैरेक्टरिस्टिक वॉज कैरिड ऑन टू मॉरन एम्पायर ऑल्सो राइट इनफैक्ट मॉरन एम्पायर ने इसको बड़े लेवल पर लेके गए कि सेंटर के हाथ में जो है वो आर्मरी होगी ठीक है आफ्टर क्लियरिंग और अनयूज द किंग टैक्स ऑफ अबाउट वन सिक्स ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द कल्टीवेटर्स ठीक है किंग टैक्स कितना मिल रहा है वन सिक्स ध्यान रखना है किंग स्टार्टेड कलेक्टिंग कंपलसरी टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट कंपल्सरी टैक्सेस दो टैक्सेस वर प्रेजेंट टैक्सेस जो है वो प्रेजेंट थे लेटर वैदिक पीरियड में लेकिन कंपलसरी टैक्सेस जो है वो आपको महाजनपद काल में नजर आएंगे सच एज कौन कौन से बलि भाग कर शुल्क और टोल ड्यूटीज इंस्टाइड ऑफ वॉलेंट्री ट्रिब्यूट ऑफ द अर्लियर पीरियड जिस तरह वैदिक पीरियड में वॉलेंट्री ट्रिब्यूट थी यहां पर हमें बल भा बली भाग कर शुल्क जो है वो नजर आते हैं ठीक है भाग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भाग यानी कि एक वन सिक्सथ भाग दिया जाता था उसके अलावा बली बलि के तौर पर यह नहीं कि जानवर मार के दिया जा रहा है नहीं जिंदा जानवर दे देना हो सकता है कि अपने घर से जो है वो दास देना बोथ मेल और फीमेल ठीक है सो ये बलि थी उसके अलावा कर कर के रूप में जो है वो अपने प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा देना शुल्क के रूप में अपने प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा देना है ठीक है टोल ड्यूटीज देना मान लीजिए गांव से आप शहर में ट्रेड कर रहे हैं तो दरवाजे पर बैठे होते हैं टोल खाने ठीक है शहर के दरवाजों पर तो उनको टोल देना पड़ता था भाग और शेयर भाग का मतलब क्या शेयर ऑब्वियसली राइट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गिवन टू किंग फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट एंड अब आप कहेंगे कि टैक्स क्यों वाई टैक्स तो देखिए मान लीजिए कि कोई ये एक महाजनपद है और इसके आसपास दो तीन राइबल महाजनपद है और ये जो जंगल है इसमें ट्राइबल घूम रहे हैं जो कि अटैक कर सकते हैं तो राजा क्या करेगा राजा इस अपने महाजनपद के अंदर जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग हैं उन सब की जान को प्रोटेक्शन दे रहा है राइट इन ट्राइबल से इन अन्य राइबल महाजनपदों से सो दैट मींस ये जो सेफ गार्डिंग है ऑफ बोथ काइंड एंड लाइफ राइट जान और माल दोनों की इसके बदले में भाग देना या टैक्स देना जरूरी है किंग को राइट इंड वेलफेयर फॉर बींग इन द सबोर्डिनेशन टू द किंग इट गेव द किंग एन एपिथेट नोन एज बहुत इंपॉर्टेंटिन टाइटल जो है वो किंग को मिलता है क्योंकि किंग जो है वो भाग बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स टर्म्स पर सवाल बनेंगे ठीक है मैंने आपको पहले भी कहा था टर्म्स पर सवाल बनेंगे लेकिन महाजनपद काल के एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत कम इनफैक्ट मैंने आपको ना सोलह महाजनपदों पर तो सवाल दो हज़ार बारह के बाद बना ही नहीं है दो हज़ार बारह से दो हज़ार बीस तक सोलह महाजनपदों पर सवाल बना ही नहीं है उनकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक सोशल हिस्ट्री पर बना ही नहीं है उनकी रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री पर सवाल बनता है क्योंकि 16 महाजनपद में ही हमें बुद्धिज़्म जैनिज्म नज़र आएगा सो उनके रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री से आप मान के चलिए कि लगभग लगभग हर साल सवा, सवाल जो है वो बनता आया है लेकिन उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से 2012 से 20 तक सवाल नहीं बना है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले सवाल नहीं बना उससे पहले 1990 के बाद कई बार उन महाजनपदों में से सवाल बने सो दैट मीन्स आ तो सकता ही है ठीक है देखिएगा सो so, महामंत्राज महामंत्र कौन है ये किंग के असिस्टेंट्स हैं मंत्री कह सकते हैं आप किंग्स के राइट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स विद विदेक्टिव फंक्शंस देखिए क्या क्या अब ये टर्म्स हैं टर्म्स पर सवाल बनता है मैंने आपको कहा ही किस तरह के पॉलिटिकल टर्म्स सोशल टर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स कल्चरल टर्म रिलीजियस टर्म्स लिटररी टेक्स से निकले हुए टर्म्स उनके फॉरन ट्रेवलर्स द्वारा अपनी भाषाओं में यूज किए गए टर्म्स किसी भारतीय मान लीजिए एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हुए राइट तो टर्मिनोलॉजी पर क्वेश्चन एंशियंट एज वेल एज मिडिवल पर बनना लाजमी है और कमीशन बार बार टर्मिनोलॉजी पर सवाल पूछता रहा है तो टर्म्स को हमें इग्नोर ना करते हुए बहुत खासा इंफोसिस रखना है टर्म्स पर ठीक है अब देखिएगा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल यहां पर है व्यवहारिका व्यवहारिका कौन है जस्टिस डिपार्टमेंट उसके अलावा सर्व सर्वर्थका जनरल अफेयर सेना नायक आर्मी तो सर्वर्थ का जनरल अफेयर यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थोड़ा सा मतलब इरिगेशन वगैरह ये सारी चीजों का आपदा प्रबंधन मतलब बिल्कुल जो जनरल अफेयर्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं उसके अलावा राजू घाका वर्कर ऑफ सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एग्रीकल्चरल लैंड का सर्वे करना है क्योंकि भाग लेना है भाग कितना है वन सिक्स है तो दैट मीन सर्वे करना जरूरी है सो ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई टर्मिनोलॉजी है उस पर सवाल बनता है बहुत इंपॉर्टेंट तो आपको ध्यान रहेगा राजू घाक ठीक है और मेजरमेंट ऑफ द किंग्स शेयर इन प्रोड्यूस उसके अलावा गणक चीफ अकाउंटेंट ठीक है पैसे का ध्यान कौन रख रहा है हिसाब कौन रख रहा है चीफ अकाउंटेंट कौन है वो गणक उसके अलावा भाग दूगा टैक्स कलेक्टर या भाग को कलेक्ट करने वाला सो भाग दूगा इज वर्ड कैरियड फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड उसके अलावा ग्राम भिजा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी इन गांव से ठीक है वहां पर आप मुझे बताएंगे लेटर वैदिक काल में वो संगरिका वाली जो टर्म है राइट मैंने आपको बताया चलो बोल ही दिया मैंने तो वहां पर वो टैक्स कलेक्शन कर रही है और इधर ग्राम लेवल पर कौन कर रहा है ग्राम बेजाक उसके अलावा जातकाज रॉयल ऑफिशियल्स मेजरिंग आउट ग्रेन टू बी सेंट टू रॉयल ग्रेनरी लेकिन जात आपको ध्यान रखना है कि अगेन देअर द जात वर द स्टोरीज रिलेटेड टू तो बुद्धिज्म और बुद्ध की प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज है उसके अलावा शौलिका और शुल्क ध्यक्षा जो कि टोल ऑफिसर है ठीक है शुल्क कहाँ देना पड़ता है टोल के तौर पर दरवाजों पे, राइट शहर के दरवाजों पे या इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स पर सो so, कौन है वो शुल्क ध्यक्ष उसके अलावा द टू टू शौलिका हैज़ बिन यूज इन धर्म धर्म सूत्राज एंड शुल्क का इन पॉलीटिक्स टेक्स तो हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन केम फ्रॉम बुद्धिस्ट पॉलीटेक्स ठीक है मैक्सिमम हमें पाली से देखने को मिल रहे हैं आगे बढ़ते हैं डिफरेंसिस बिटवीन रिपब्लिक एंड मोनार्की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो ध्यान देंगे आप गणसंघ के बारे में पॉइंट देखिए दे फंक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिगार्किक असेंबलीज यहाँ पर गणसंघ में क्या है गणसंघ है एज द नेम सजेस्ट राइट

किंग के अंदर ही सारी आर्मी रहेगी द किंग मेंटेन्ड हिज रेगुलर आर्मी एंड डिड नॉट परमिट एनी अदर आर्म्ड फोर्स विद इन इट्स बाउंड्री राइट किंग की ही आर्मी रहेगी नॉट देखिए हाउ फ्यूडल सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड मोनार्की सो इन अ फ्यूडल सिस्टम द फ्यूडेटरीज हैव द अथॉरिटी और द ड्यूटी टू मेंटेन मिलिट्री फोर्स सेम गोज फॉर इकतेदारी सिस्टम एज वेल एज मनसफदारी सिस्टम बट इन अ मोनार्कियल सिस्टम ओनली किंग हैज द अथॉरिटी लाइक In a central government system such as in India, only the central government have the authority to maintain its army. uske alawa special forces, police, राज्यों ke paas hai lekin sena establish karne ka jo केवल sole जो हक है वो किसके पास है? Center, center के पास, right? Every tribal oligarch claimed share in revenue from peasants. अब यहाँ पर देखिए, अब ये बात रही आर्मी की अब नेक्स्ट बात रही इकॉनमी में तो इकॉनमी में शेयर जो है वो हर गणसंघ का इट्स एन इगैलीटेरियन सिस्टम सो हर गणसंघ का अपने 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 टेरिटरी से जितना भी निकला है शेयर उस पर पूरा पूरा हक है ठीक है किंग क्लेम टू बी द सोल रेसिपिएंट ऑफ रेवेन्यू दूसराइड मोनार्की में सारा रेवेन्यू किंग के पास जा रहा है ये अंडरस्टूड है चीजें बस मैं आपको फिर से बता रहा हूं ठीक है ब्राह्मण वर रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि गणसंघ में ब्राह्मण हमें नहीं देखने को मिले देर एज वेर एज द ब्राह्मण हैड अ कंसट्रेबल इन्फ्लुएंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुनार्किज में ब्राह्मण स्ट्रांग है जनरली लोकेटेड राउंड द नॉर्दर्न पेरीफेरी ऑफ द किंगडम राइट नॉर्दर्न पेरीफेरी यानी कि पहाड़ों वाले एरिया में और ये प्लेन वाले एरिया में कंसनट्रेटिव मिले द गैंगेटिक प्लेन्स द किंगशिप वाज नॉट हेरिडेटरी एंड वाज यूजुअली इलेक्टेड किंगशिप वाज हेरीडेटरी ठीक है जानते हैं हम ये वर जनरली स्मॉल इन साइज वर जनरली एक्सटेंसिव इन साइज दिस इज ऑल वी नो सो ये बेसिक डिफरेंस है हमने एस्टेब्लिश कर लिया ना गण संग क्या है गण जो है वो जुड़ गए तो हेरिडिटरी सिस्टम है नहीं साइज में छोटे इसलिए जुड़े हुए हैं साइज में छोटे हैं तो इसलिए नॉर्थ साइड पुश कर दिया गया है ठीक है हर एक गण जो है वो अपनी economy, अपनी इकॉनमी अपने अपने आर्मी के लिए जिम्मेदार है और वेराइज मोनारकी में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है किंग के पास सारी आर्मी किंग के पास सारा रेवेन्यू किंग के पास सारी जो है वो अन्य गवर्नमेंट शक्तियाँ उसके अलावा साइज़ में भी बढ़े ठीक है और यहाँ पर मोनार्की में ब्राह्मण है और गणसंघ में ब्राह्मण नहीं है गणसंघ से हमें अन्य हिट्रोडॉक्स सेक्ट खासतौर पर बुद्धिज्म जैनिज्म डेवलप होते हुए नजर आए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स अब अर्बन सेंटर हमें महाजनपद महाजनपद पीरियड की खास, खास बात क्या है द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन राइट फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज इन आईवीसी The 6th century BC was marked by the beginning of northern black polished phase. अब देखिए black red ware pottery फिर उसके बाद grey ware pottery आई ठीक है और grey ware आया उसके बाद जो कि वैदिक काल की property रही grey ware. So how महाजनपद काल की pottery is different from the other two? So महाजनपद काल में आपको थ ब्लैक पॉलिश जो है वो वेयर पॉटरी देखने को मिलती है सेकेंड फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेकेंड फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप किससे मार्क करेंगे सो बाय द एनबीपी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश पॉटरी के साथ सेकेंड फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट फेज ऑफ फेज ऑफ अर्बनाइजेशन के साथ आप ब्लैक ओवर रेड वेयर देखेंगे और पेंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यूज जो है वो आपकी वैदिक काल की पॉटरी रहेगी तो ये इंपॉर्टेंट पॉटरीज हैं डायरेक्ट सवाल बनता है सो सेकेंड फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप एन बी पी यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश सो बेसिकली क्या है ये गाढ़े रंग की है और उनके ऊपर वेल पॉलिश किया हुआ उनको, है उनको मतलब वेल पॉलिश यानी कि बहुत स्मूथ सरफेस है उनकी ठीक है देयर वाज द इमर्जेंस ऑफ टाउन्स इन मिडिल गंगाटिक बेसेंस लाइक कौशाम्बी सरस्वती अयोध्या राजगीर पाटलिपुत्र चंपाय ये टाउन क्यों डेवलप हुए सो so, टाउन डेवलपमेंट के पीछे मैंने आपको बेसिक कारण बताया था कि 700 बीसी के बाद जैसे-जैसे ईस्ट जैसे की तरफ मूवमेंट शुरू किया वैदिक लोगों ने ठीक है तो उनको बड़ी संख्या में आयरन मिलता गया छोटा तो नागपुर वाले रीजन से ठीक है उनको आयरन बड़ी संख्या में मिलता गया तो वो ज्यादा बड़ी संख्या में जंगलों की कटाई करी उन्हें इकोनमी ने बूस्ट पकड़ा ठीक है प्लस ये जो ईस्ट की तरफ बढ़ते गए ना यहां पर जितना ये ब्राह्मणों के स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी दिल्ली दुआब वाला जो एरिया है वहां से ईस्ट की तरफ बढ़ते गए यानी कि मगध अंग ये कौसला वज्जी ये सारे जो मतलब आप मान के चलिए महाजनपद हैं इन पर ब्राह्मणों का ज्यादा कंट्रोल नहीं था एज कंपेयर टू कुरु पंचाल शौर सेन मच्छर वगैरह ठीक है so सो दैट मीन्स यहां पर जो है वो रिचुअल्स कम से कम हुए सेक्रीफिशियल रिचुअल्स ठीक है जिन पर हजारों की संख्या में बैलों को मारा गया वो रिचुअल्स कम से कम हुए दैट मीन्स इकोनॉमी की प्रोडक्शन और बढ़ गई इकोनॉमी की प्रोडक्शन और बढ़ जाने के कारण हुआ आ, हुआ क्या सरप्लस इकट्ठा हो गया सरप्लस के मतलब बाटर होना शुरू हो गया बाटर होने का मतलब क्या है कि ट्रेड एस्टेब्लिश हो गया सो so, एक बार बाटर होना शुरू हो गया ट्रेड एस्टेब्लिश हो गया तो स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशन वाला फंडा जो है वो डेवलप होने लगा और यहां से हमें टाउन डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं सो so, एक टाउन में होता क्या है एक टाउन में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ना के बराबर हो रही हैं लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचा जा रहा है और अन्य फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन यानी कि मान लीजिए मिट्टी का काम लकड़ी का काम मेटल का काम चमड़े का काम ये सारी चीजें जो है वो ये सारी इंडस्ट्रीज कॉटन का, का काम यानी टेक्सटाइल काम ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होती हुई नजर आती है जिस रीजन में जिस रीजन में प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट है लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इस रीजन को आप क्या कहेंगे टाउन कहेंगे सो so, ये टाउन क्यों डेवलप हुआ इकॉनमी में बूम आया इकॉनमी में बूम कब आया जब वैदिक लोगों ने ईस्टवर्ड मूवमेंट किया जहां पर ब्राह्मणिकल कल्चर का कंट्रोल जो है वो थोड़ा कम था तो उनकी इकॉनॉमी बूम पकड़ गई एज वेल एज उनको लोहा भी ज़्यादा मिला वहां पर इसलिए हमें ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा शहर बड़े शहर लाइक पाटलिपुत्र चंपा राजगीर ठीक है ये सब डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन उसके अलावा कौशाम्बी श्रावस्ती एंड अयोध्या भी डेवलप होते हुए नजर आए हमें वेस्टर्न रीजन में ठीक है आई so होप आपको अर्बनाइजेशन समझ आया होगा दस बिकेम गुड मार्केट्स अब ये स्टेटमेंट में भी बता देता हूं मैं आपको द टाउन बिकेम गुड मार्केट्स क्यों क्योंकि स्पेशलाइजेशन बढ़ गया ठीक है अब एग्रीकल्चरल का यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का अगर बूम आ गया है सरप्लस हो गई है दैट मीन्स अब लोग अन्य प्रोफेशन को प्रोफेशनली स्पेशलाइजेशन में फॉलो कर सकते हैं जो कि उन्होंने किया भी राइट एंड बोथ द आर्टिशियंस एंड मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज दमसेल्स इन टू गिल्ड्स अंडर देर रिस्पेक्टिव हेडमैन बहुत इंपॉर्टेंट यही बोल रहा हूँ ना मैं कि स्पेशलाइजेशन बढ़ गया ठीक है सो so, विलेज से टाउन की तरफ ले जाने का काम मर्चेंट्स ने किया बेचने का काम मर्चेंट्स ने किया मिडल मैन डेवलप हुए यहाँ पर और विलेज से आर्टिशंस उठ के टाउन में आकर रहना शुरू कर दिया देखिए ना सिंपल सी बात है विलेज में कोई आर्टिशन है वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और टाउन में वो बिक रहा है सो दैट मीन दैट मीन्स बीच में मर्चेंट और मिडल जो है वो मुनाफा खा जाएंगे तो आर्टिस्ट ने क्या सोचा यार सरप्लस तो है ही मैं क्या काम करता हूँ मैं टाउन में जाकर ही बनाना शुरू कर देता हूँ तो इस तरह हमें आर्टिस्ट का जो है वो टाउन में या ऐसी जगह जहां पर बिकना शुरू हुआ वहां पर आर्टिस्ट लोग आते हुए रहने रहते हुए मिले और प्रोडक्शन जो है वो टाउन वाले रीजन में बढ़ गया और विलेज से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से दूर हो गया टाउन ठीक है एटीन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट क्राफ्ट वे ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज इन टू गिल्ड्स जिनको श्रेणी कहा जाता है ईच ऑफ विच वॉज प्रिस बाय अ प्रमुख और फोरमैन जिसको ज्येष्ठक और द एल्डर श्रेष्ठिन और चीफ कहा जाता है सो so, अठारह इस तरह के ट्रेड गिल्ड्स हैं कॉटन के सिल्क के लकड़ी के लोहे के चमड़े के मिट्टी के बर्तन के नील के ठीक है अन्य अनाज के मतलब so, इस तरह के ट्रेड गिल्ड्स बन गए अठारह ट्रेड गिल्ड्स हैं टोटल ठीक है इन ट्रेड गिल्ड्स को कहा गया श्रेणी इस श्रेणी के हेड को जो है वो श्रेष्ठिन कहा गया ठीक है या प्रमुख कहा गया तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी आपकी जुड़ जाती है ट्रेड से ठीक है और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट्स क्या हैं ये शहर अयोध्या सरस्वती उसके अलावा कौशंबी राजगृह पाटलिपुत्र उसके अलावा चंपा वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं दिस फेज ऑल्सो सॉ द यूज ऑफ आयरन इंप्लीमेंट्स एंड बिगनिंग ऑफ मेटालिक मनी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड बढ़ा अब विलेज से टाउन में ले जाना है मान लीजिए विलेज से टाउन में ले जाना है क्या अनाज ले जाना मान लीजिए सौ मण अनाज ले जाए ले जाया जा, जा रहा है विलेज से टाउन में तो उसके बदले सौ मण की चीज टाउन से विलेज थोड़ी ले जाई जाएगी बदले में ले जाए जाएंगे कॉइन्स ठीक है ताकि दूसरे किसी टाउन में जाकर कुछ और खरीदा जा सके तो हमें करंसी जो है वो डेवलप होती हुई नजर आ रही है खासतौर पे मेटालिक करेंसी देखिए करेंसी के तौर पे तो काउज इस्तेमाल हो ही रही थी ऋग्वैदिक काल में या लेटर वैदिक काल में करंसी के तौर पर बार्टर तो हो ही रहा है ना एवरीथिंग इज अ करेंसी अंडर अ बार्टर सिस्टम बट डेफिनेटिव मेटालिक इज अ करेंसीक्टरिस्टिक ऑफ महाजनपद काल दो ऋग्वैदिक एज वेल एज वैदिक पीरियड एज करंसीज बट दे वर नॉट मतलब फॉर्मड इन टू कॉइंस उनको स्पेसिफाइड कॉइंस के फॉर्म में नहीं वो मेटल पीसीस के रूप में उनका वजन तोलकर जो है वो उनका मूल्य था लेकिन स्पेसिफिक कॉइन्स एंड स्पेशली पंच मार्क्ड कॉइन्स आर डेवलपमेंट ऑफ महाजनपद काल सो ध्यान रखेंगे आप कॉइन्स तो हैं मतलब कॉइन्स नहीं लेकिन करेंसी के तौर पे मेटल करेंसी के तौर पे निष्कास तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं ठीक है सोने के टुकड़े लेकिन वो स्पेसिफिक कॉइन्स नहीं है कॉइन क्या होता है जब एक स्पेश एक तरह के जो है वो स्पेशलाइज शेप हो मान लीजिए रेक्टेंगुलर हो सकती है ट्रायंगुलर हो सकती है सर्कुलर हो सकती है ठीक है ओवल हो सकती है लेकिन सभी उसी तरह के हों है ना निष्का तो क्या है मेटल का पीस है जो कि रैंडम किसी भी फॉर्म में हो सकता है लेकिन उसका वजन एक पर्टिकुलर रहता है दैट इज अ नॉट निष्का इज नॉट अ कॉइन ध्यान रखेंगे ठीक है निष्का इज लेट्स ए प्रोमेटिव और प्रोटो फॉर्म ऑफ कॉइन प्रॉप पर्टिकुलर और मतलब स्पेसिफिक कॉइन्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं आपके महाजनपद काल में जिसमें कॉपर uh, के आयरन के सिल्वर के गोल्ड के कॉइन्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हुए नजर आएंगे हमें राइट द फर्स्ट कॉइन्स इन इंडिया कॉल्ड पंचमार्ग कॉइन्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर केम एट दिस टाइम राइट तो सबसे पहले कॉइन पंचम्ग कॉइन महाजनपद काल इसके सिल्वर एंड कॉपर द यूज ऑफ कॉइन्स बिकेम रेगुलर एंड सिल्वर कॉइन्स ऑल्सो केम इन सर्कुलेशन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू वॉज कॉपर जिसको कहा जाता था क्रश पना वेइंग अ लिटल मोर देन वन फोर्टी सिक्स ग्रेन्स सो वन फोर्टी सिक्स ग्रेन के बराबर ग्राम ग्राम मान के चले ठीक है ग्राम बहुत ज्यादा होता है लेकिन 146 फोर्टी सिक्स ग्रेन्स सॉरी नॉट ग्राम लेकिन ग्रेन्स के बराबर जो है वो एक सिक्के का वजन द टेक्स्ट डीलिंग विद द मेजरमेंट सल्व सल्वसूत्रा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वेट्स और मेजरमेंट्स और कॉइन्स और इन सब के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है सल्व सूत्र में वर रिप्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड प्रोड्यूसिंग इकोनमी बेस्ड ऑन द आयरन प्लॉश एयर प्रोवाइडेड सब्सिस्टेंस नॉट ओनली टू डायरेक्ट प्रोड्यूस बट ऑन बट ऑल्सो टू मैनी अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सो आयरन प्लॉशेयर मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आयरन के एक्सटेंसिव इस्तेमाल की वजह से सेवन हंड्रेड बी सी ईस्टवर्ड मूवमेंट आयरन के ओर मिले ठीक है जिससे हमने जिससे एक्सेस एज वेल एज प्लॉशेयर का डेवलपमेंट हुआ बड़े लेवल पर गैंगेटिक बेसिन गैंगेटिक प्लेन को जो है वो साफ किया गया खेत बनाए गए टाउन डेवलपमेंट हुआ ठीक है क्योंकि इकोनॉमी में बूम आया तो आई होप ये आपको पूरा समझ आया पॉइंट है राइट दिस हेल्प इन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्मीज़ फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस प्रोडक्शन बढ़ा तो स्टैंडिंग आर्मी रखी जा सकती है अब स्टैंडिंग आर्मी रखी गई इसीलिए जनपद से महाजनपद से एंपायर की तरफ तुरंत डेवलपमेंट मगध में हुआ क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी लोहे से बेटर राइट ज्यादा जल्दी उनको लोहा मिल जाता है और उन्होंने मोनोपलाइज कर दिया उसे कोई और वहां से लोहा निकालेगा भी नहीं ठीक है कौन कहां से छोटा नागपुर वाले रीजन से द लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स कुड बी फॉर्म्ड एंड सस्टेन्ड बानोमी इट वॉज द पीरियड विच सॉ द बिगनिंग ऑफ रिटर्न ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट अब आप कहेंगे आपने कई बार पढ़ा है कि ऋग्वैदिक पंद्रह सौ से पंद्रह सौ से पंद्रह सौ बीस से, 500 से, से एक हज़ार बीसी जो है वो रिग्वैदिक है ठीक है फिर आप कहेंगे कि एक हज़ार से छः सौ बी जो है वो लेटर वैदिक है ठीक है जिसमें हमें वैदिक लिटरेचर चार तो वेद नज़र आते हैं उसके अलावा उपनिषद नज़र आ रहे हैं ठीक है ब्राह्मण नज़र आ रहे हैं वेदांग तो बाद में लिखे जाएंगे लेकिन महाभारत लेकिन पॉइंट ये है कि इन सब का कंपाइलेशन भले ही इस लगभग हज़ार साल में हुआ हो लेकिन ये लिखे नहीं गए हैं इस काल में माइंड इट लिखना जो है वो शुरू हुआ है 600 सौ बीसी के बाद प्रॉपर यानी कि उनकी राइटिंग उनको ताम्र पत्र पे उनको ताम्र पत्र पे लिखा गया है 600 सौ बीसी के बाद भले ही उनको कंपाइल कर दिया गया है सो दैट मीन्स हजार सालों तक श्रुतियों के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आगे गई है यानी कि ओरली जो है ये इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है डॉक्यूमेंट इन्हें किया गया है 600 सौ बीसी के बाद ध्यान रखेंगे आप टूए द एंड ऑफ दिस पीरियड अ स्क्रिप्ट ब्राह्मी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड राइट ठीक है ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेवलप होएगी फिर हमें धीरे धीरे ख्रोस्टी बाहर से आती हुई नजर आएगी ठीक है पाली प्राकृत डेवलप होते हुए नजर आएंगे फिर प्रोटो संस्कृत से हमें न्यू संस्कृत डेवलप होती हुई नजर आएगी काफी सारे डेवलपमेंट होंगे ठीक है सो दिस इज अ मैप फॉर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर सो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर देख रहे हैं इट रिप्लेस्ड दो रेड ओवर ब्लैक वेयर जो है वो मौजूद रहा रेड ओवर ब्लैक वेयर आज तक मौजूद है आज भी हमने घड़े देखे हैं आपने लाल रंग के ही तो होते हैं घड़े काले घड़े कहाँ देख लिए आपने बहुत रेयर गांव वगैरह में होते हैं काले घड़े अभी भी होते हैं ठीक है वो है ये नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर राइट बट नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वॉज अ करेक्टिस्टिक ऑफ सो दिस वे यू यू शुड अंडर नो अंडरस्टैंड जो ब्लैक ओवर रेड वेयर है वो आपका आई से जोड़ेंगे आप ठीक है जो पी है वो आपका वैदिक एज से जुड़ेगा और आपका एन यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एन है वो आपका जुड़ेगा किसके साथ महाजनपद काल के साथ तो ये तीन एजेस और इनके तीन जो है वो टाइप ऑफ पॉटरी डिस्टिंक्टिव पॉटरी पॉट्री दैट गेव अ कैरेक्टरिस्टिक राइट सो देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो शहर आपको नजर आ रहे हैं ये सारी आपको पी डी कहां से मिलेंगी चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री में इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो शहर नोट कर लीजिएगा ठीक है ये सारे जो है वो महाजनपद काल के इंपॉर्टेंट शहर है मैंने आपको पहले बताया ही है ना आगे बढ़ते सो दिस इज दैट पंच मार्क्ड कॉइन और इसमें आप देख पा रहे हैं इट इज मेड ऑफ सिल्वर ऑफ कॉर्स ट्रेड रूट्स की बात करें कहां से कहां है ट्रेड रूट्स सो दो मुख्य ट्रेड रूट हैं ठीक है बंगाल से आता है और गंगा के रास्ते होते हुए पहुंचता है अफगानिस्तान और फिर आगे जाएगा कहाँ तक ये यूरोप तक इसको कहा जाता है उत्तर पथ और एक दूसरा ट्रेड रूट है ये जो कि दक्षिण में जाता है ये है आपका दक्षिण पथा तो दो ट्रेड रूट्स हैं उत्तर पथा और दक्षिण पथा ठीक है दक्षिण पथ मेन इनलैंड रूट्स mostly मोस्टली रेडिएटेड फ्रॉम बनारस एंड सरास्वती द चीफ आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड वर् सिल्क एम्ब्रॉयडरी आइवरी ज्वेलरी गोल्ड एट्सेट्रा सो भारत से क्या निकल रहा है भारत से वैसे तो स्पाइसीज भी हैं लेकिन स्पाइसीज़ की पसंद जो है वो अरबियों को धीरे धीरे होगी लेकिन भारत में तो सबके पास स्पाइसीज है ठीक है सो so, भारत में सिल्क खास तौर पर सिल्क कहाँ से आ रहा है चाइना एज वेल एज़ जो स्वर्णभूमि है वहाँ से बंगाल वाले रीजन में सिल्क आ रहा है ठीक है फिर इस सिल्क से प्रॉपर जो है वो मतलब कच्चे सिल्क से प्रॉपर कपड़ा टेक्सटाइल बनाया जा रहा है और वो फिर धीरे धीरे उत्तर पथ के हर एक शहर में पहुंचाया जा रहा है ठीक है उसके अलावा एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी आज तक फेमस है भारत में आइवरी यानी हाथी दांत पर नकाशी की जाए उसके अलावा ज्वेलरी गोल्ड की सिल्वर की एक्सेट्रा पॉलीटेक्स रेफर टू सी वॉयज एंड ऑफ ट्रेडिंग जर्नरी एंड ऑफ ट्रेडिंग जर्नीज टू द कोस्ट ऑफ बर्मा द मलाया वर्ल्ड स्वर्णभूमि सेलॉन जिसको ताम्रपारणी एंड इवन बेबीलोन या बवेरू ठीक है सो देखिए कहां कहां पर म्यांमार के साथ मलाया के साथ श्रीलंका के साथ और फिर उसके अलावा बेबीलोन यानी इराक वाले रीजन यानी पर्शियन गल्फ के साथ ठीक है ट्रेड जो है वो हमें नजर आता है किसमें पाली यानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में नजर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हमें ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में नहीं नजर आएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन समंदर पार करने से तो क्या हो जाता है लॉस ऑफ कास्ट हो जाता है ना शूद्र बन जाते हैं आप लेकिन पाली ट्रेडिशन या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मानते तो हमें पाली या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ट्रेड का पता चलता है दो ब्राह्मणिकल लोग जहां पर एक्टिव थे वहां के राजाओं ने भी ट्रेड किया है लेकिन ब्राह्मणों ने डॉक्यूमेंट नहीं किया ठीक है कानून आम जनता के लिए रहता है ज़्यादा शासक जो है वो उन पर ज़्यादा इस तरह के धार्मिक कानून लागू नहीं होते ठीक है अगर होते भी हैं तो किसी ना किसी तरह का यज्ञ यज्ञ जो है वो आई एम श्योर कि मौजूद रहेगा ठीक है जिस तरह वो है ना हृणय हृणय एक ग्रह जो यज्ञ है जिसमें आप जो है वो एक सोने के गर्भ में जाते हैं और आप जब बाहर निकलते हैं तो आप क्षत्रिय होते हैं ठीक है तो इस तरह के यज्ञ हैं कराए हैं शासकों ने प्रिंसिपल सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं भरूच बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है आज का नहीं है हमेशा से ही है भरूच जो है वो सॉरी नॉट यहा एक सेकेंड ये है भरूच सो भरूच तो है ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ठीक है जिसको छा जो है वो पढ़ा जाता था पहले उसके अलावा सुपरार का या सोपाड़ा नॉर्थ ऑफ बॉम्बे ठीक है जो कि आज तक या अंग्रेजों के टाइम पे भी इसकी इंपॉर्टेंस रही सोपाड़ा नॉर्थ ऑफ बॉम्बे राइट उसके अलावा ताम्रलिप्ति तामलुक इन वेस्ट बंगाल ठीक है वेस्ट बंगाल में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहा देखिए सोपाड़ा हो गया भारूचा हो गया ताम्रलिप्ति ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं उस समय के ठीक है महाजनपद काल के समो इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स एंड रिवर पोर्ट्स हैं एंशियन इंडिया रिवर पोर्ट्स में देखिए पाटलिपुत्र है वाराणसी है ठीक है कौशाम्बी है मथुरा है इंद्रप्रस्थ है ये इंपॉर्टेंट जो हैं वो क्या हैं रिवर इन पोर्ट्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में राइट प्रिंसिपल रिवर पोर्ट्स कौन कौन से हैं सेंट्रल इंडिया कौशंबी ऑन यमुना बनारस चंपा पाटलिपुत्र एंड पटाला ऑन द इंडस ठीक है यहां पर आपको देखिए सारे नजर आ जाएंगे ये ठीक है एक एक पॉइंट तो इन मैप्स को एक्सेस करेंगे कहां से आप इन मैप्स को आप एक्सेस करेंगे चौहान अंडरस्कोर सर अंडरस्कोर हिस्ट्री से जहां से आप इन सारे मैप्स को एक्सेस करके थोरली स्टडी करेंगे ठीक है सो आज हमारा महाजनपद भी खत्म होता है जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में 16 महाजनपदों को समझा वो कहा है और उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टडी किया सेकेंड पार्ट में हमने गणसंघों को समझा डिफरेंस बिटवीन गणसंघ एंड मोनार्क देखा मोनार्किस देखा और दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी इकोनॉमी सोसाइटी इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें उसके अलावा ट्रेड रूट्स वगैरह के बारे में भी हमने देखा ये सब आपको मिलेगा कहाँ चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ से आपको पी अवेलेबल हो जाएंगे उसके अलावा अगर आप अन अकेडमी का कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो चौहान अंडर स्कोर सर अंडर स्कोर हिस्ट्री कोड इस्तेमाल कीजिएगा दस परसेंट आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपका सपोर्ट जो है वो आपके चौहान सर को मिलेगा राइट उसके अलावा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर भी आप एक्टिव हैं वहां पर मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी ये पूरी जो इनिशिएटिव है जो डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ राइट प्री से पहले पहले मैं पूरी हिस्ट्री कवर कराऊंगा ये इनिशिएटिव का फायदा सबको पहुंचे राइट तो आज के सेशन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर हैव अ नाइस डे